करेंगे माननीय साजी। धन्यवाद विष्णु जी। खेल महाकुंभ होना अच्छी पहल है। पहले ये ग्रामीण खेल के नाम से जाने जाते थे, पर हमने तब से देखा है कि इसमें जो हमारा युवा कल्याण विभाग है प्रारब्ध, वो इसमें पूरी भूमिका निभाता था। लेकिन अब जबकि हमारे जो युवा कल्याण विभाग है वो बहुत सशक्त विभाग है, लेकिन उसके बावजूद ये खेलों का आयोजन जो है विद्यालयों को सौंप दिया गया है, और इससे बहुत सारी अव्यवस्थाएं इसमें हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि किस प्रकार से कौन इन खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराएगा, कहां से ये आएंगे, कहां से इनकी पात्रताएं जमा होंगी, और कोई स्पष्ट दिशा निर्देश इसमें कहीं भी विभाग के नहीं है। बस ऐसे फोन आ जाते कि ये करना है और एक गाइडलाइन आ जाती इसको संपन्न कराएं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत, जिस हिसाब से ये सरकार की महत्वाकांक्षी ये योजना है उस हिसाब से इसमें कहीं भी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रहा है। और हम तो विगत इतने सालों से हम लगातार इन अव्यवस्थाओं के मार छीनते रहे हैं, और आगे हमने अब ये निर्णय लिया है कि हम सीधे सीधे शासन से इसके बारे में बात करेंगे कि इन ग्रामीण खेलों को विद्यालयों से मुक्त रखा जाए, ताकि पठन पाठन हमारा सुचारू हो सके। सिर पर हमारी परीक्षाएं हैं, फिर हमारे परीक्षा परिणाम पूछे जाएंगे, और बच्चे सारे के सारे बच्चे खेल के मैदान में हैं। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद साजी हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी बातों को सूक्ष्म में रखा और खेल महाकुंभ के बारे में हमें जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ पे मैम लोग भी हैं जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण से हैं। मैम आपका भी मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस खेल महाकुंभ में जो आप पधारे हैं, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप लोग, वो साझा करने चाहेंगे साझा अपने विचारों को? थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। खेल महाकुंभ न्याय पंचायत, नगर पंचायत,